अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शौकत महमूद। चलते चलते आज हम पहुंचे हैं दरोगे वाला दरबार बाबा गादी शाह। यहाँ पर एमनाबादी बर्फी वालों की एक ब्रांच है, तो आपको दिखाते हैं कि ये एमनाबादी बर्फ़ी जो है वो ज़ाहिर है कि इनकी तो एक अपनी बर्फ़ी की एक अपनी मकबूलियत है और इसकी अपनी एक पहचान है। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचें हैं, ये बाबा दरबार गादी शाह भगवानपुरा दरोगे वाला में ये इनकी एक ब्रांच है। तो आइए आपको मिलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नुमान। नुमान भाई, ये बताइए कि ये जो अहमदाबादी बर्फी वालों की उन्हीं की ब्रांच है? जी भाई। अच्छा, तो ये सारा मटेरियल आपका वहीं से तैयार होके आता है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये एक सेम चीज़ वही चीज़ है? हाँ जी। बस ये ब्रांच उनकी यहाँ पे जी बनाई है। इनकी लाहौर में और भी ब्रांचें हैं, 4-5 जी है। जो टाउनशिप में है, जल्लोमोर, नागदा चौक, यतीम खाने, गाजी रोड, ये दरोगे वाला गादी शाह दरबार के पास है। ये पास है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये बर्फी के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके पास? बर्फी के अलावा ये अखरोट हलवा जी, ये गरी हलवा है। हाँ। ये साथ में जीर हलवा है, ये सोन हलवा है, नीचे टाफी है, खोए की ये स्पेशल तैयार की जाती है। उसके नीचे स्पेशल लड्डू हैं, पतीसा है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन वगैरह, ठीक है, तमाम चीज़ें जी। तो ये स्टॉक आपका रोज की रोज आता है या क्या? जी रोजाना आता है, ये हमारा इमनाबाद से सप्लाई आती है ना, सप्लाई आती है रोज, ठीक है, और रोज की रोज बिक जाती है? जी बिल्कुल, ठीक ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा ये बहरा दी बर्फ़ी के नाम से बहुत मशहूर है जी ये, और एमनाबाद से इनका जो मेन पॉइंट वहाँ पे है और वहाँ से ही बना के ये अपनी सारी ब्रांचों पे तकसीम करते हैं। तो ये हमारे साथ एक भाई खड़े जो बर्फ़ी लेने के लिए आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? शहज़ादा खुरम। खुरम साहब, ये बताइए कि आप इसी इलाके से हैं? नहीं जी, मैं लाल पुल से लेने आया हूँ बर्फ़ी। अच्छा, लाल पुल से आप बर्फ़ी लेने यहाँ पे आए? जी, मैं लोडर रक्षा चलाता हूँ। अगर उधर से इधर मैं कोई सवारी लेके आऊँ तो 1000 रुपया किराया है, तो मैं सिर्फ बर्फ़ी के लिए इधर आया हूँ। अच्छा, ये बर्फ़ी अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जी, घर के लिए। और ये अगर मैं किसी को भेज दूँ गिफ्ट तोहफा, या बेटा मेरे घर हुआ था किसी को दूँ, वो स्पेशल फ़ोन करके मुझे कहता है उधर से भेजो। पूरे वाले में, बिहाड़ी में मेरी शादी हुई है, ठीक है, उधर भी हमारे रेफरेंस रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो वो अब ना, पहले तो 6 साल बाद जाते थे, अब वो महीने बाद कह देते हैं बर्फी भेज। बर्फी भेजते जी, सही है, चले जी, अच्छी हमारे घर के पास हो तो मैं तो तकरीबन रोज लूँ, रोज ले। लाल पुल से इधर आया हूँ मैं बर्फी लेने। माशाल्लाह बहुत अच्छा जगह है, बहुत मज़ेदार है जी, दिल करता खाते जाएं। हाँ जी बिल्कुल, ये क्वालिटी है इनकी, क्वालिटी है, और ये हर जगह पे मतलब पंजाब में तो बहुत मशहूर है। ये रेट भी मुनासिब है, और रेट भी मुनासिब, रेट बहुत मुनासिब है। बाहर से लें ऐसी बर्फी भी नहीं मिलेगी नहीं, तो रेट भी यही है, ठीक है बिल्कुल। ये रेट भी मुनासिब है और बर्फी भी बहुत अच्छी है, बर्फी इनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बर्फी के अलावा कोई दूसरी आइटम्स भी इनके ट्राई की? हाँ जी, बर्फी के अलावा इनका बादाम हलवा जो है वो लेके जाते हैं, अखरोट हलवा, अखरोट हलवा, हाँ वो ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा मशहूर है अखरोट हलवा। पहले मेरे छोटे भाई के थे मुल्तान शादी हुई है, उधर से आता था। अच्छा। इधर से सिर्फ चेक किया, फिर उधर से बंद हो गए, इधर से लेके जाते हैं अखरोट हलवा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो बना रहे हैं, जिनकी ब्रांच है उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, रिजक में और बरकत डाले। ये खिदमत कर रहे हैं, ये पैसे नहीं ले रहे, ये खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी चीज़ दे रहे हैं जी कस्टमर को, और बड़े मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। मुनासिब रेट है जी, ठीक है, चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा, ये बताइए कि आप ये पहली दफ़ा आए हैं या आते रहते हैं? नहीं, तकरीबन काफ़ी दफ़ा ले चुके हैं यहाँ से, अक्सर अब मैं इस्लामाबाद से स्पेशल यहाँ पे बर्फ़ी लेने आया हूँ।
समनाबाद से? समनाबाद से। वाह जी वाह, तो बहुत दूर है समनाबाद। हाँ जी, यहाँ पे मेरे ससुराल रहते हैं ना। अच्छा, इसलिए आपका आना जाना रहता है। हाँ जी ठीक है। तो ये कैसी इनकी बर्फी? माशाल्लाह ये बर्फी जो भी खाता है ना, जब भी मैं किसी से लेके जाता हूँ वो हमेशा यही कहते हैं हमें ये वाली बर्फी कभी नहीं खाई, ऐसी हमें मंगवाए। तो ये उनके लिए दोबारा फिर लेके जा रहा हूँ। ये मंडी अकबरी मंडी में, अकबरी मंडी में काम करता हूँ, मसाले सप्लाई करता हूँ रिक्शे पे। अच्छा, रिक्शा मैंने नया लिया है अब, इस वजह से ये मिठाई सबको खिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने स्पेशल यही उनका कहा कि भाई वही बर्फी हमें दोबारा खिलाए जो एक दफ़ा पहले खिलाई थी। जी। तो ये माशाल्लाह बेटी है आपकी? जी ये मेरी बेटी है माशाल्लाह। क्या नाम है बेटे आपका? आयशा। आयशा, आपने बर्फी खाई है? बताओ ना। बताओ, खाई है? अच्छी लगी है? अच्छी लगती है? बताओ। बोलो ना। अच्छी लगती है जी, उसको भी अच्छी लगती है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी? आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे बर्फी लेने के लिए आए? जी बिल्कुल। अच्छा, इमनाबादी बर्फी तो बहुत मशहूर है जी, बहुत मशहूर है पूरे पंजाब में इसकी। अब तो ये सोन हलवा और अखरोट का हलवा भी बनाने लगे हैं। वो भी बनाने लगे हैं जी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका मियार बहुत अच्छा है जी, जितने की भी चाहिए वो मिल जाती है। ये नहीं है कि आप 150 की नहीं ले सकते, जितनी आपको चाहिए मिल जाती है, लिमिट कोई नहीं है इसकी। सबसे बड़ी बात ये है ना जी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी अच्छी है ना। इस जैसी बर्फी आपको कहीं और से नहीं मिलती, वाकई नहीं मिलती। ये सिर्फ इनकी, हाँ जी हाँ जी, ये इमनाबादी बर्फी की ही ये क्वालिटी है। और ये हमारे मोहल्ले की शान है, हमारे घर के पास है, पास आ गए, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, किसी से मंगवानी नहीं पड़ती स्पेशल। हम बल्कि खुद इधर तक भेजते हैं, दूर दूर कराची तक गई है। अच्छा, मेरी बड़ी बहन है ना मेरी, उधर रहती है कराची में। अच्छा अच्छा, तो उधर हम टोकरियां बना बना के भेज देते हैं। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ जी। नाजरीन, आपने देखा कि ये इमनाबादी बर्फी, ये जो इनकी ब्रांच है दरोगेवाला वाली, वहाँ पर इस इलाके के लोगों के व्यूज़ भी आपने देखे कि हर बंदा जो है वो इनकी बर्फी को बहुत ही पसंद कर रहा है। तो इसकी वजह यही है कि इनकी बर्फी वाकईतन बहुत अच्छी है। जो शख्स एक दफ़ा ले लेता है, खाता है, तो वो दोबारा यहीं से आके ख़रीदता है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी बर्फ़ी लेने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी दूसरी मसरूआत जो हैं, दूसरी चीज़ें जो आइटम्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बर्फ़ी ख़ास तौर पे बहुत मशहूर है। तो आप भी अपने इलाके में या इस इलाके में दरोगेवाला में अगर आए तो यहाँ पर दरबार गादी शाह पे तशरीफ़ लाएँ और इनकी बर्फ़ी को इंजॉय करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी शौकत महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।